अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। आखिर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपके ग्रुप क्या होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, किस ग्रुप के अंतर्गत आपका कौन सा कोर्स आता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आखिर ये ग्रुप्स होते क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ग्रुप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज मिले सबसे पहले। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो टोटल आपके ए से लेकर के तक आपके टोटल ग्रुप होते हैं, ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ग्रुप ए से लेकर के तक होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप ए से लेकर के आई तक के ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। जो हमारा के ग्रुप है इसको मैं अलग से आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आखिर के ग्रुप होता क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप ए से लेकर ग्रुप आई तक की इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। आखिर इस ग्रुप के अंतर्गत आपके कोर्सेस कौन कौन से आते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रुप ए, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप आपका कौन सा आ जाता है, तो सबसे पहला ग्रुप आपका आ जाता है ग्रुप ए, जो कि सबसे बेस्ट होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आपका ग्रुप ए होता है ये सबसे बेस्ट होता है। अब इसके अंतर्गत आपका कोर्स क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आपका कोर्स आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, ठीक है, ये आपका कोर्स होता है। और ग्रुप ए से रिलेटेड आपकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ग्रुप ए से रिलेटेड आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैं आपको कुछ ब्रांचेस के नाम बता देता हूं जो ग्रुप ए के अंतर्गत आपकी आती हैं। तो सबसे पहले आपकी हो जाएगी सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच, ठीक है। जो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है ये ग्रुप ए के अंतर्गत आती है, ठीक है। और उसके अलावा आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच, ये सब आपके ग्रुप ए के अंतर्गत आती है। ग्रुप ए से रिलेटेड ये सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आपकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच आपकी सबसे बेस्ट होती है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्रुप ए आपका सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका कोर्स मैंने बता दिया कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा होता है, और इससे रिलेटेड मैंने आपको ब्रांचेस भी बता दी। वैसे ग्रुप ए की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, अगर आप ब्रांचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर मैंने क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम एलिजिबिलिटी, यानी आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है 10th पास, ठीक है, तो आप 10th पास होने चाहिए। और इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं मिनिमम आपके 35% मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में, ठीक है, कितने मात्र 35% मार्क होने चाहिए आपके 10th में, तब आप ग्रुप ए से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोग ग्रुप ए से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी आपसे नहीं मांगी गई है, योग्यता बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 10th पास होना चाहिए और उसके अलावा आपके 35% मार्क्स होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बार 10th में हूं, तो अगर आप इस बार 10th में फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर आप 10th अपीयर कर रहे हैं इस बार फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपका ग्रुप ए होता है। तो ग्रुप ए में आपकी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, ये आपके कोर्स हो गया आपका, इसके अंतर्गत कोर्स जो आता है, मैंने आपको ब्रांचेस बता दी, इसके अंतर्गत आपकी सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच और इलेक्ट्रिकल की ब्रांच और कई सारी ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए आपका बेस्ट होता है, कोशिश कीजिए आप ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब नीचे आइए, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन। अब आपके एग्जामिनेशन में किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको बता देता हूँ। तो ग्रुप ए में आपके मैथमेटिक्स में 50% क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं,
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 50%, यानी मैं आपको साइंस में बता दूं तो फिजिक्स में आपके 25 और केमिस्ट्री में आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चंस रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप ए हो गया, ये आपका 10th बेस पे होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे। तो नेक्स्ट ग्रुप आपका आ जाता है ग्रुप बी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप बी के बारे में लिखा हुआ है। तो ग्रुप बी में कोर्स आपका क्या होता है, तो जो ग्रुप बी आपका होता है इसका कोर्स रिलेटेड आपका होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, ठीक है। ये आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है और इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, 10th पास होने चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है 10th पास्ड अपेयर्ड विथ एग्रीकल्चर एंड मिनिमम 35% मार्क्स और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इन 12th, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। ग्रुप बी का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। अपेयर्ड विथ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में, मिनिमम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और करके लिखा हुआ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इन 12th, अगर आपने 12th में भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आप 10th पास होने चाहिए और एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप ग्रुप बी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी आपके एग्जामिनेशन में अगर आप ग्रुप बी से फॉर्म फिलअप करते हैं तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिक्स से आपके 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर से 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपका इसमें एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपका सब्जेक्ट होगा क्लास 10th में, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है। तो ये ग्रुप बी से रिलेटेड आपकी ब्रांच हो गई। ग्रुप बी में आपका केवल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आता है, ठीक है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रुप बी से रिलेटेड। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, ग्रुप सी के बारे में जानते हैं, आखिर ग्रुप सी क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका ग्रुप सी हो जाएगा। ग्रुप सी में आपके कोर्सेस कौन कौन से आ जाते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है फैशन डिजाइन, होम साइंस एंड टेक्सटाइल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। तो इतने कोर्सेज आते हैं ग्रुप सी में, जैसा कि आप देख सकते हैं फैशन डिजाइन, होम साइंस एंड टेक्सटाइल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। अब यहां पे मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपकी योग्यता ये होनी चाहिए मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है, 10th पास होने चाहिए। अपेयर्ड विद मिनिमम 35% मार्क, यानी अगर आप 10th पास है और 10th में आपके 35% मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ग्रुप सी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन, तो यानी आपके एग्जामिनेशन में किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंग्लिश एंड हिंदी कंप्रीहेंशन से आपके 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी से 50% क्वेश्चन और जर्नल अवेयरनेस से आपके 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रुप सी का पैटर्न, यानी इतने सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रुप सी में, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे आपका मैथमेटिक्स नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स आपका कहीं नहीं लिखा हुआ है। यहां पे आपका इंग्लिश एंड हिंदी कंप्रीहेंशन होता है, 20% क्वेश्चन यहां से आते हैं, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी से आपके 50% क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस से आपके 30% क्वेश्चन यहां पे आते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके ग्रुप सी में, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रुप सी से रिलेटेड। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे। नेक्स्ट ग्रुप आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है ग्रुप डी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है। तो सी के बाद आपका आ जाता है ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में आपके कोर्सेज कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहला कोर्स ग्रुप डी में आपका ये हो जाएगा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका पहला कोर्स यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा आपका आता है यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पे दो कोर्सेज आपके आते हैं ग्रुप डी के अंतर्गत, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या होती है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी होती है 12th पास, यानी ये 12th पास वालों के लिए होता है, 10th वालों के लिए नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे ग्रुप डी होता है ये 12th पास के लिए होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी में 12th पास लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं 12th पास या अपेयर्ड, या आप 12th अपेयर्ड भी कर रहे हैं 12th में इस बार है, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट में हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10th और 12th, यानी 10th और 12th में आपके हिंदी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने कंपलसरी, आपके हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में आपके
कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रतिशत प्रश्न पूछे जाते हैं, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ग्रुप डी वालों के लिए अगर आप ग्रुप डी से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रीहेंशन से 30% क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी से आपका 35% क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10% क्वेश्चन और जर्नल अवेयरनेस से आपका 25% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ग्रुप डी वालों के लिए है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप डी वालों के लिए क्वेश्चन परसेंटेज यहाँ पे बताया गया है। तो ग्रुप डी वालों का अगर आप ग्रुप डी से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप डी से रिलेटेड। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, ग्रुप ई। ग्रुप ई, ये भी ग्रुप आपका काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, जो ग्रुप ई होता है ये भी अच्छा होता है। और ग्रुप ई जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपके दो ग्रुप्स आते हैं, एक आता है E1 जो कि रिलेटेड होता है बायोलॉजी से, ठीक है, यानी जीव विज्ञान से, और एक आपका आता है E2 जो कि आपका रिलेटेड होता है मैथमेटिक्स से। और ग्रुप ई के अंतर्गत आपका कोर्स क्या आता है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपका कोर्स क्या होता है, ये आपका होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, कोर्स इसके अंतर्गत जो आपका होता है ग्रुप ई से ये होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसमें E1 और E2 दो ग्रुप्स होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 दिन 10+2 यानी 12 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट विथ मैथ एंड बायोलॉजी। अगर आपने 12th पास किया हुआ है, चाहे आप मैथ से पास आउट हो चाहे आप बायोलॉजी से पास आउट हो, उसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी होने चाहिए या बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आपने 12th पास आउट किया है या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया है, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी में आपका आता है जूलॉजी एंड बॉटनी, ये आपका आता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, अगर आपने 12th पास आउट किया है, ठीक है, 12th अगर आपने पास आउट किया है किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो बायोलॉजी वाले होंगे वो E1 से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, जो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे स्टूडेंट्स वो पढ़ेंगे E1 से अपना फॉर्म, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पास आउट हैं स्टूडेंट्स वो भरेंगे अपना फॉर्म फिलअप करेंगे E2 से। E2 आपका होता है मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भरेंगे E1 से और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले भरेंगे E2 से, जो कि उनका मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। तो आप इतना, आपकी एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 12th वालों के लिए, ना कि 10th वाले, 10th वाले इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी आपके एग्जाम में कितने प्रतिशत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से। जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आपका होता है 50% क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से आपके 50% पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ग्रुप E1 से फॉर्म फिलअप किया है, तो E1 आपका होता है बायोलॉजी के लिए, तो E1 वालों के लिए यहाँ पे बायोलॉजी से 50% क्वेश्चन होंगे। अगर आपने E2 से फॉर्म फिलअप किया तो ये तो मैथमेटिक्स वालों के लिए होता है, तो यहाँ से आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50%। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और करके यानी अथवा करके लिखा है, अगर आप मैथमेटिक्स से भरते हैं तो 50% मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से भरेंगे तो बायोलॉजी के 50% क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका होता है ग्रुप ई, तो ये भी ग्रुप आपका काफ़ी अच्छा होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की ओर। तो नेक्स्ट ग्रुप आपका क्या आता है, ग्रुप ई के बाद आपका आ जाता है ग्रुप एफ। अब ये ग्रुप एफ क्या होता है, इसके अंतर्गत कोर्सेज क्या आते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी एंड टीसू कल्चर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका कोर्स क्या होता है, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं टीसू कल्चर। इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए BSc पास्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये 12th वालों के लिए भी नहीं है, ना 10th वालों के लिए है ना 12th वालों के लिए, ये सीधे ग्रेजुएशन लेवल का आपका डिप्लोमा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी BSc पास्ड होनी चाहिए, अपेयर्ड विथ बायोलॉजी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे ये भी कंडीशन आपके यहाँ पे लिखी है, अपेयर्ड विथ बायोलॉजी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। तो ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है ग्रुप एफ वालों के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं।
और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी आपके सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो केमिस्ट्री से आपके 50% क्वेश्चन होते हैं, और जो आपके बायोलॉजी में आता है जूलॉजी और बॉटनी, ये आपका होता है 25% क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जूलॉजी और बॉटनी से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ग्रुप एफ वालों के लिए, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, बीएससी पास होना चाहिए, अपेयर्ड विद बायोलॉजी केमिस्ट्री जैसा कि आप देख सकते हैं, या फिर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और सब्जेक्ट आपके जैसा कि आप देख सकते हैं केमिस्ट्री 50%, जूलॉजी बॉटनी आपके 25% आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रुप एफ। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट ग्रुप आपका है ग्रुप जी, ठीक है। ये ग्रुप जी हो गया आपका, और इसके अंतर्गत आपका कोर्स क्या आता है, तो ये भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। यानी ये भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है, 10th और 12th के स्टूडेंट्स इसको फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, इसका फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन पास्ट एंड अपेयर, ठीक है। आपने किसी भी कोर्स से आपने ग्रेजुएशन अपना किया हुआ हो, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप भर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी भी कोर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, कुछ भी आपने किया हो, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आपके 20% क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग से आपके 30%, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 15% क्वेश्चन आपके होते हैं 15%, और जनरल इंटेलिजेंसी से आपके 20% और जनरल अवेयरनेस से आपके 15% यानी 15% क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपके ग्रुप जी के लिए, ठीक है। ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है, और आप कि मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें होनी चाहिए, आपको आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, साइंस से या आर्ट से, बस आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये ग्रुप जी वालों के लिए हो गया। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, ग्रुप जी, जैसा ग्रुप जी हमने देख लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट ग्रुप हमारा आ जाएगा ग्रुप एच, ठीक है। ग्रुप एच में अब इसके अंतर्गत आपका कौन सा कोर्स आता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, जी आपका ग्रुप एच होता है। इसके अंतर्गत आपका कोर्स क्या आता है, तो इसके इससे रिलेटेड आपका कोर्स होता है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जैसा कि आप देख सकते हैं 12th पास होना आपका जरूरी है, ये 10th वालों के लिए नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी 12th पास होनी चाहिए, अपेयर्ड विद 35% मार्क्स, ठीक है। 35% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में, ये कंपलसरी है, अगर इससे नीचे होंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। तो 35% मार्क्स तो सबके होते हैं 12th में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता दूं, ये है आपका जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप एच वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जैसा कि आप देख सकते हैं रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन से 25% क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड से 25% क्वेश्चन, इंग्लिश में 25% और जनरल नॉलेज से आपके 25% क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये पैटर्न होता है ग्रुप एच वालों के लिए, ठीक है, जो कि आपका होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं कोर्स आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, ये हो गया ग्रुप एच वालों का, ठीक है। 12th पास आउट वाले ही इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर अपीयरिंग में फिर भी शायद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका ग्रुप क्या आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका ग्रुप आई, ठीक है। ग्रुप आई, अब इससे रिलेटेड आपका कोर्स क्या होता है, तो ग्रुप आई में आपका होता है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ठीक है। यह आपका एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होता है, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप आई वालों का। और यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए 12th आपका साइंस से होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 12th साइंस पास, यानी 12th आपका साइंस से पास होना जरूरी है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद यहां पे लिखा है अपेयर्ड एंड एग्रीगेट
50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ठीक है, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में जो आपने 12th साइंस से पास किया हो, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी लिखी है ग्रुप आई वालों के लिए। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आपके 50% क्वेश्चंस आते हैं और मैथमेटिक्स से आपके 50% क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए जिसने 12th साइंस से किया हो, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना यहाँ पे कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और ये ग्रुप आई वालों के लिए था जैसा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ग्रुप ए से लेके ग्रुप आई तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता दी है कि कौन से कोर्सेस आपके आते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, और आपके सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा, आप कोशिश कीजिए अपना फॉर्म फिलअप करें ग्रुप ए से, ठीक है, ये ग्रुप ए आपका सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि हम किस ग्रुप से फॉर्म फिलअप करें, कौन सा ग्रुप हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं आपको बता दूँ ग्रुप ए आपका सबसे बेस्ट होता है। उसके अलावा आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी ग्रुप ई, ये भी आपका अच्छा होता है अगर आप 12th बायोलॉजी से किए हो, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्रुप ई वाला आपका, और ग्रुप ई में आपका दो कैटेगरी आपकी आ जाती है ग्रुप ई में, एक E1 बायोलॉजी के लिए, E2 आपकी मैथमेटिक्स से हो जाती है, अगर आपने 12th मैथ से भी किया हो फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर बायोलॉजी से किया हो फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा ग्रुप ए आपका सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा वो तो आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन सा कोर्स पसंद है, किस ग्रुप से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, आपका इंटरेस्ट किस ग्रुप में है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ आपके लिए ग्रुप ए सबसे बेस्ट होता है, इसमें आपकी ब्रांचेस मैंने आपको बता दी कौन कौन सी आती हैं, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच जो कि इस समय सबसे बेस्ट है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच इस समय सबसे बेस्ट है, फिर उसके बाद आपकी आती है ग्रुप ए में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर आपका मैकेनिकल आता है, सबसे लास्ट में यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, और उसके अलावा ग्रुप ए में बहुत सारी ब्रांचेस दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप ए से अपना फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, सबसे अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट को ही ये ब्रांच मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग की जितने नंबर आपके कम होंगे उससे नीचे आपको ब्रांच मिलती चली जाएगी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस टॉपिक पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आज के इस वीडियो में आपको ग्रुप ए से लेकर के आई तक के बारे में बता दिया, लेकिन अभी हमारा एक ग्रुप छूट गया है ग्रुप के, इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसमें मैंने ग्रुप के को इसलिए नहीं ऐड किया, ग्रुप के आपका टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है, ये डिफरेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी लेटरल एंट्री होती है, और जो ग्रुप के होता है ये भी आपका 12th बेस पे होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, 12th पास आउट वालों के लिए ये ग्रुप के होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 10th वाले भर लेंगे, 10th वाले फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं ग्रुप के का। तो ग्रुप के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आखिर ग्रुप के होता क्या है, लेटरल एंट्री क्या होती है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो मैंने ग्रुप ए से लेकर ग्रुप आई तक मैंने आपको बता दिया है, और मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा ग्रुप आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए सुटेबल होगा, ठीक है। तो अगर आज के इस वीडियो में कोई बात आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।